एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है आपको और उसको सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशियंट को 1 बनाना है। ठीक है, अब इधर क्या है, 4 है, तो 4 को 1 बनाना है, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x² बाय 4 प्लस 4√3x बाय 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4 से 4 कैंसिल थी, तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा आपका प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सिंप्लीफाई हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो सेकंड टर्म है उसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, ठीक है, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये सेकंड टर्म है, इसके आगे प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर तो आपका क्या हो गया, x का स्क्वायर। अब बीच में क्या आ गई सेकंड टर्म, 2ab, तो 2 इंटू a क्या होगा, x, तो ये 2 मिल गया मुझे और x मिल गया। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है वो b होगा, 3/√3/2, तो √3/2 हो गया आपका b। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो पीछे क्या आता है, बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इक्वेशन के अंदर अगर मैं कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ प्लस कर रहा हूँ तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस √3/2 होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस 3/4 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा है x² प्लस 2ab प्लस √3/4 √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 2 का स्क्वायर इज़ 4 ओनली, तो ये 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस √3/4 और प्लस 3/4 ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बचा, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2। स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो एक्स प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ब्रैकेट क्या है, एक्स प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2 और इससे एक्स की क्या वैल्यू आ गई, माइनस √3/2। ठीक है, तो दो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, दोनों सेम ही आई है। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। ठीक है, दो एक्स की वैल्यू आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो ही आएगी। ठीक है, और दोनों सेम आई है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। वी विल बी डूइंग फोर्थ पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।